नमस्कार। प्रयागराज जिले से बड़ी खबर निकल करके आ रही है। अधिकारियों और ग्राम प्रधान की मिले भगत से प्रधानमंत्री आवास के नाम पर कई लाखों का घोटाला हुआ। प्रयागराज के विकासखंड महुआइमा के अधिकारियों के मिली भगत से प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। मृतक महिला हाजिरा पुत्री मौला बख्श निवासी घीनपुर विकासखंड महुआइमा की रहने वाली हैं, जो कि लगभग 5 वर्ष पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनके नाम से ग्राम प्रधान और विकासखंड महुआइमा के अधिकारियों की मिली भगत से 2018 में आवास वेबसाइट पर पूर्ण दिखाया है, किसी दूसरे के खाते में फर्जी तरीके से पैसा भेजकर गबन कर लिया गया है। और जोहरा, जो कि पात्र महिला हैं, जो झोपड़ी में रह रही हैं, 2018 में प्रधानमंत्री आवास वेबसाइट पर पूर्ण दिखाया गया है, जबकि मिला नहीं है। ब्लॉक अधिकारियों की मिली भगत से किसी दूसरे खाते में फर्जी तरीके से पैसा भेजकर गबन कर लिया गया है। इसी प्रकार इस्लामुद्दीन, जो गरीब व्यक्ति हैं जिसके पास रहने का मकान नहीं है, आवास का लाभार्थी पात्र है, 2018 में आवास वेबसाइट पर पूर्ण दिखाया गया है, जबकि मिला नहीं है। ब्लॉक अधिकारियों की मिली भगत से दूसरे के खाते में फर्जी तरीके से पैसा भेजकर गबन कर लिया गया है। मृत महिला और दो लोग पात्र हैं के काबिल हैं, इनको मिला नहीं है, जो ग्राम प्रधान और ब्लॉक अधिकारी के मिली भगत से फर्जी तरीके से पैसा हड़प कर लिया गया है। जब पीड़ित के द्वारा पत्रकारों को बताया गया, तब पत्रकारों ने महुआइमा के भ्रष्ट अधिकारियों से बात की तो उन्होंने जांच करने का आश्वासन दिया और भाजपा योगी सरकार से ग्रामवासी लोग मांग करते हैं। और हमारे पास प्रधान जी राम सजीवन पटेल, इसके पहले भी हमारे पास अभी प्रूफ है, इस समय हम आपको दिखा सकते हैं कि कई बार जो है कम से कम 10 लोगों ने एप्लीकेशन किया था, लेकिन वो जो है रिपोर्ट जो है लेपा पोती करके गलत उसमें आख्या लगाया गया है। मेरी बात सुन लीजिए। यस सर, मेरे जमीन में यस लेपा पोती का प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, हाँ मैं स्वयं जाता हूँ, आपने मेरे बारे में सुन लीजिए। ठीक है सर, ठीक है ना, ठीक है। आप कितना समय देंगे इसको पूरा जांच की कार्रवाई करने में, एक आइडिया हमें दे सकते हैं? जब ये जांच हो जाएगी ना, एक आइडिया सर, कुछ हम जानना चाहते हैं। लगभग 15 दिन। 15 दिन, ठीक है, 20 दिन के आस। ठीक है, ठीक है, ओके सर जी, धन्यवाद। आया तो उसकी क्या प्रक्रिया, कैसे वो उनको पैसा मिला है या नहीं मिला है? नहीं मिला है। पूरा मामला क्या है? मामला का वहाँ बीच में खा लिए और क्या। कितने साल पहले वो खत्म हुई है? 5 साल। कोई अधिकारी, जब आप कहे हैं तो कोई अधिकारी जांच करने के लिए आई? हाँ, कोई अधिकारी जांच करने के लिए आए थे? हाँ, एक आए था। तो आपने क्या बताया उनको? वही बताया कि वो खत्म हो गई, 5 साल हो गया। हाँ। और उसको पैसा नहीं मिला है।